गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ईवीएस फॉर क्लास सेकेंड. दिस इज योर बुक. टेक आउट योर बुक. एवरीवन टेक आउट योर बुक. And open your chapter. Today's your chapter is chapter number 3, plant around us. Previous video में इस chapter को आपको explain कर दिए थे. इस chapter में आप लोगों को क्या क्या बताए थे हम कि plant क्या होते हैं. Plant are different kinds of plant. ठीक है, हमारे चार डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग अराउंड अस. हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह के पौधे पाए जाते हैं, बड़े प्लांट्स और छोटे प्लांट, बिग एंड स्मॉल प्लांट्स. ट्रीज़ बताया गया था. ट्रीज़ में कौन कौन से ट्रीज़ होते हैं? जो बड़े पेड़ होते हैं हम लोग लगाते हैं तो छोटे प्लांट्स को लगाते हैं, बट जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो ट्रीज़ में परिवर्तित हो जाते हैं. ठीक है, ट्रीज़ में वो कन्वर्ट हो जाते हैं. तो अब उसमें देखिए, उसमें कुछ हर्ब्स होते हैं. हर्ब्स क्या होते हैं? जो छोटे पौधे होते हैं वो हर्ब होते हैं, सिर्फ एक सीज़न वो पौधे चलते हैं. नेक्स्ट फिर श्रब्स. श्रब्स में क्या होता है? ये बहुत छोटे होते हैं, ये भी पौधे बहुत छोटे होते हैं, वुडी स्टेम होते हैं. क्या? श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ वुडी स्टेम. छोटे पौधे होते हैं और लकड़ी की इसकी जो स्टेम होती है बहुत पतली दुबली पतली होती है. नेक्स्ट क्लाइंबर्स, चढ़ने वाले पौधे. क्रीपर्स यानी ग्राउंड पे जो ग्रो करते हैं. डेजर्ट एंड एक्वेटिक प्लांट्स, ये भी बताए थे. पार्ट्स ऑफ प्लांट बताए थे आप लोगों को कि पार्ट्स ऑफ प्लांट में कौन कौन से आते हैं. पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से? फ्लावर्स. फ्लावर्स में क्या है? मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्रूट्स. फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स. स्टेम. द स्टेम हेल्प द प्लांट स्टैंड स्ट्रेट. ट्रीज हैव बिग एंड हार्ड स्टेम. इट हेल्प इन टेकिंग फूड and water to do to the branches, leaves and flowers. Leaves are green in color. They prepare food for the plant. Branches means shakhaen. Branches come out from the stem and bear leaves, fruits and flowers. Roots are that part of plant which is underground, is hold the plant in the ground. It collects water for the plant for the ground. Next आपका था food and fruit for plant. Plant के लिए पौधे कौन बनाता है? तो आप लोगों को पता है plant के लिए पौधे पत्तियाँ बनाती हैं. किसकी उपस्थिति में बनाती हैं? Sunlight, water and air से मिलकर वो पौधे के लिए भोजन बनाती है. अब इस वीडियो में मेनली आप लोगों को क्या कराना था? इस वीडियो में मेनली आप लोगों का था एक्सरसाइज करना एंड देन क्वेश्चन आंसर. तो हम लोग की फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं क्या है. फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग की है मैच इट करना है. तो आप लोग पेंसिल इरेजर भी निकाल लीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैच दी फॉलोइंग कॉलम. फर्स्ट क्या है? हर्ब. देखिए ये मेरा मैच है. मेरा मैच इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर भी आप लोग का लॉकडाउन में क्लासेस चले थे तो इसी बुक से हमने पढ़ाए थे, इसलिए ये मेरा मैच है. आप लोग यही सोचेंगे कि मैम ने पहले से किया है, तो हाँ मेरा पहले से ही है, बट प्रीवियस ईयर का है ये. आप लोग मेरे साथ साथ मैं बोल रही हूँ और आप लोग करते चलिए. फर्स्ट है हर्ब. आप लोग को प्रीवियस वीडियो में हर्ब और श्रब्स पढ़ाए थे ना. हर्ब्स किससे है? तो बहुत छोटे हैं टीनी प्लांट्स को हर्ब्स कहते हैं. तो हर्ब्स को ग्रास से मैच कीजिए. हर्ब नंबर वन को सी से मैच कीजिए. हर्ब ग्रास. हर्ब ग्रास. श्रब रोज. श्रब रोज. ट्री नीम. ट्री नीम. क्लाइंबर मनी प्लांट. क्लाइंबर मनी प्लांट. क्रीपर वाटरमेलन. क्रीपर वाटरमेलन. एक बार और देख लीजिए. हर्ब ग्रास. श्रब रोज. ट्री नीम. क्लाइंबर मनी प्लांट. क्रीपर वाटरमेलन.
हो गया। नेक्स्ट क्या है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ ईच, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। नंबर वन ट्री, ट्री का टू एग्जाम्पल इसमें देंगे, कौन कौन से ट्री, मैंगो ट्री एंड नीम ट्री, एम ए एन जी ओ मैंगो टी आर डबल ई ट्री, मैंगो ट्री एंड नीम ट्री, एन डबल ई एम नीम ट्री टी आर डबल ई ट्री। सेकेंड है हर्ब्स, हर्ब्स में कौन कौन से आते हैं, कोरिएंडर एंड ग्रास, फिल कीजिए कोरिएंडर सी ओ आर आई ए एन डी ई आर कोरिएंडर, एंड नंबर टू ग्रास जी आर ए डबल एस ग्रास, कोरिएंडर एंड ग्रास। नेक्स्ट नंबर थ्री है श्रब्स, श्रब्स में क्या क्या आ जाएगा, रोज एंड तुलसी, रोज एंड तुलसी आर ओ एस ई रोज टी यू एल एस आई तुलसी, आर ओ एस ई रोज टी यू एल एस आई तुलसी। नंबर टू क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स मनी प्लांट एंड बीन्स, क्लाइंबर्स में कौन कौन से आते हैं, मनी प्लांट एंड बीन्स, एम ओ एन ई वाई मनी पी एल ए एन टी प्लांट, मनी प्लांट एंड बीन्स बी ई ए एन एस बीन्स। नंबर फाइव क्रिपर्स, नंबर फाइव क्रिपर्स, क्रिपर्स में कौन आएगा, वाटरमेलन एंड गर्ड डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर मेलन एम ई एल ओ एन मेलन डब्ल्यू ए टी ई आर एम ई एल ओ एन वाटरमेलन एंड गार्ड जी ओ यू आर डी गार्ड, वाटरमेलन एंड गार्ड। हो गया ये। नेक्स्ट डी है क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड फ्रॉम द असिस्टेंस बॉक्स, असिस्टेंस बॉक्स मतलब ये जो आपका दिया हुआ है बॉक्स में, इसकी हेल्प से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फर्स्ट क्या है, ट्रीज हैव मैनी डैश दैट बियर लीव फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। आप लोग अपनी बुक में देखिए, हम बोल रहे हैं और आप लोग देखते चलिए, अपनी बुक में देखिए, ट्रीज हैव मैनी ब्रांचेस दैट बियर लीव फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, तो क्या हो जाएगा, ट्रीज हैव मैनी ब्रांचेस बी आर ए एन सी एच ई एस ब्रांचेस, बी आर ए एन सी एच ई एस ब्रांचेस, trees have many branches that bear leaves fruits and flowers। number 2 herbs had, herbs have dash stems, herbs have dash stems, kya ho jayega isme, soft stem s o f t soft, s o f t soft, theek hai, herbs have soft stem। नंबर थ्री क्या है, डैश आर स्मॉल प्लांट्स विथ वुडी स्टेम, डैश आर स्मॉल प्लांट्स विथ वुडी स्टेम, श्रब्स एस एच आर यू बी एस, एस एच आर यू बी एस, श्रब्स आर स्मॉल विथ वुडी स्टेम। नंबर फोर क्रीपर्स ग्रो along the dash, creepers grow along the dash ground, g r o u n d ground, creepers grow along the ground। number 5 leaves of green plants are the dash of the plant, leaves of green plants are the dash of the plant, to kya ho jayega kitchen K I T C H E N किचन। चलिए एक बार हम ऐसे बोल दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए आप लोग ने सही लिखा है कि नहीं। नंबर वन फिल इन द ब्लैंक्स में, नंबर वन में ब्रांचेस B R A N C H E S ब्रांचेस। नंबर टू सॉफ्ट S O F T सॉफ्ट। नंबर थ्री श्रब्स S H R U B S shrubs। number 4 ground g r o
UND ग्राउंड। नंबर 5 किचन KITCHEN किचन। नेक्स्ट क्या है, नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट बताना है। फर्स्ट क्या हैज सीड इनसाइड इट, मतलब जिसके अंदर बीज रहता है उसको क्या कहते हैं, फ्रूट। जिसके अंदर बीज रहता है उसको क्या कहते हैं, फ्रूट। नंबर 2 प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स, पौधों के लिए भोजन कौन बनाता है, लीव्स, LEAVES लीव्स, LEAVES लीव्स, लीव्स मीन्स पत्तियाँ। नंबर 3 क्या है, बियर लीव्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, बियर लीव्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, मतलब फ्रूट्स और फ्लावर्स किस पे होते हैं, ब्रांचेस, BRANCHES ब्रांचेस, BRANCHES ब्रांचेस। नंबर 4 हेल्प्स एंड हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट, हेल्प्स द प्लांट्स टू स्टैंड स्ट्रेट, स्टेम, स्टेम STEMS स्टेम। इन द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट क्या होता है, फ्लावर, FLOWERS फ्लावर्स। नंबर 6 कलेक्ट्स वाटर फॉर द प्लांट फ्रॉम द ग्राउंड, कलेक्ट्स वाटर फॉर द प्लांट फ्रॉम द ग्राउंड, रूट्स, क्या जाएगा, रूट्स, ROTS रूट्स। नेक्स्ट अब हम लोग अपनी नोटबुक में देखेंगे इसको क्वेश्चन आंसर कैसे करना है। चलिए देखिए हम लोग का ये चैप्टर 3 प्लांट्स अराउंड अस, चैप्टर 3 प्लांट्स अराउंड अस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट आर ट्रीज, व्हाट आर ट्रीज, आंसर very big tall and strong plants are called tree, very big tall and strong plants are called tree। question number 2 what are herbs and shrubs, what are herbs and shrubs, heading डालेंगे herbs, small and delicate plants are called herbs, small and delicate plants are called herbs, shrubs, shrubs are small plants with woody stem, shrubs are small plants with woody stem। question number 3 which plants need support to stand straight, which plants need support to stand straight, climbers plants need support to stand straight, climbers plants need support to stand straight। number 4 name the different parts of plants, the different parts of plants are flowers, fruits, stem, leaves, branches and roots। फिर से देखिए different parts of plants are flowers, fruit, stem, leaves and branches। number 5
व्हाट ऑल डू प्लांट नीड टू प्रिपेयर देयर फूड, व्हाट डू प्लांट नीड टू प्रिपेयर देयर फूड, प्लांट्स नीड एयर वाटर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड, टू प्रिपेयर्ड, यहाँ पे भी डी होगा, प्रिपेयर देयर फूड, प्लांट्स नीड एयर वाटर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 3 फिनिश होता है, आपने एक्सरसाइज भी कर ली एंड क्वेश्चन आंसर भी कर ली, आई होप सब ने अपना फिल कर लिया होगा एक्सरसाइज में, आपको पीडीएफ के थ्रू क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज भी चली जाएगी, क्लास आपकी यहीं पे ओवर होती है, सो थैंक यू सो मच।